आपका एप्टीट्यूड भी बदल जाएगा। समझ पाए स्नेहा? कैसे बदलेगा बताओ। यस सर, कैसे? बताइए स्नेहा, कैसे बदलेगा? अगर आपका एटीट्यूड बदल गया तो एप्टीट्यूड कैसे बदलेगा? सर ने कहा और मान लिया। यस सर, सही कहा लड़की ने, इसी बात पर अर्ज किया है। हाँ, जाते जाते एक मार जाऊं शेर। नजरिया बदलने की बात कही आपने, है ना? तो बदलेगा कैसे अगर आपका ये चेंज हो गया, अगर आपको खुद पर विश्वास है ना? तो कहते हैं ना कि विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। वाह 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 वाह, चलिए आवाज आए। कहने का मतलब ये है, अगर आपने अपनी सोच बदल ली, अपनी क्षमताएं आप बढ़ा सकते हो। आप पॉजिटिव वे में सोचते जाइए और धीरे धीरे आपकी क्षमता, अभी क्षमता क्या है? कुछ नहीं। अभी क्षमता क्या है? फ्यूचर में आने वाली संभावनाओं को, चुनौतियों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना और वो क्षमता विकसित कर लेना। लाइक दैट, एक आर्मी का एक जवान रहता है या फिर एक पुलिस का जवान रहता है, उसको इतनी ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दे दी जाती है कि फ्यूचर में अगर किसी को याद है उसको, क्यों उसके सिर पर बड़े बड़े टायर रखकर उसको दौड़ाया जाता है, बैग पे पीछे झोले में बड़े बड़े वजनदार चीज़ें लटका के भगाया जाता है, इसलिए ताकि कभी डिजास्टर आए तो किसी को अपने कंधे पे लाद कर ले जा सके। वो ले जाते हैं ना युद्ध के दौरान सैनिक, कई सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, उनको तो उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है इन फ्यूचर की अगर कोई ऐसी घटना घटे। यहाँ पर भी एप्टीट्यूड में कुछ नहीं है कि वर्तमान में आपकी कितनी क्षमता है उसको भविष्य के लिए और बढ़ा लेना, यही आपका एप्टीट्यूड है और बस आपको ऐसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके भाई, हाँ, तो एटीट्यूड की हम लोग बात करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है भाई बताओ? अभिवृत्ति, इसी को मनोवृत्ति बोलते हैं, इसी को कई शब्दों में नजरिया भी कह देते हैं, हालांकि ये नजरिया अप्रोच भी हो सकता है, इसी को दृष्टिकोण भी कहते हैं कई बार, है ना? सामान्य दृष्टिकोण अप्रोच होता है, वो थोड़ा इससे छोटा वाला भाग रहता है, पर आप मान सकते हो। इसी को रवैया भी कहते हैं, है ना? रवैये जानते हैं ना, उसका रवैया ठीक नहीं है। हाँ देवेंद्र बताओ, संस्कार कैसे? संस्कार जैसे कि एक ये हो गया, और कौन बता रहा था? हाँ निशा बताओ। निशा ऐसे बोलो, सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक नहीं नकारात्मक, ठीक है? हाँ हाँ, आप कुछ बता रहे थे, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। श्वेता बताओ। ओके ठीक है, ये भी हो गया। हाँ 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 बता दो, कोई बता दो। हाँ बताओ। हमारा बिहेवियर रहता है उसको एटीट्यूड कहते हैं, हमारा व्यवहार रहता है। हाँ ओके हाँ ओके, रिस्पॉन्ड भी हो जाएगा इसमें, ठीक है? हाँ ओके, और हाँ पीछे आकाश, क्या बोला लास्ट में? भाव में ना रहना,
भाव बन जाए, है ना? ठीक है, अमन ओके, यानी प्रीवियस सिचुएशन भी इसमें एक एज ए फैक्टर काम करती है। ओके चलिए, और कोई भिन्न मत रखने वाला, हिम्मत वाला या हिम्मत वाली? हाँ उल्टा बोलना था, कोई भिन्न मत रखने वाला, हिम्मत वाली या हिम्मत वाला, चलो बताओ, है ना? हाँ ये सभी आप लोगों ने सही बताया ना, किसी व्यक्ति, चाहे वो तो अपने शब्दों में लिख लो, नहीं पता जिनको, जिनको मैंने पहले लिखा दिया है वो भी दोबारा लिखें, लिखो, मुझे पता है आलसी आदमी हो, दोबारा पढ़ा थोड़ी होगा, लिखें, है ना? किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, वस्तु यानी कि थिंग या ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, थिंग तो जनरली हम लोग प्रयोग करेंगे। हाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, घटना यानी कि इवेंट, समूह यानी कि ग्रुप, ये नई चीज आई है पिछले से, नया अपडेट है 2.0 वाला, ठीक है? समूह ओके कॉमा परिस्थितियों आदि को देखकर, ठीक है, आदि को देखकर उनके पक्ष और विपक्ष, आर्यन लिख रहे हो, उनके पक्ष और विपक्ष, उनके पक्ष और विपक्ष में प्रकट होने वाले भाव या उत्पन्न होने वाले भाव, भाव मीन्स फीलिंग्स या क्या बोलेंगे और इंग्लिश में, इमोशंस, हाँ इमोशंस, ठीक है, भाव, ठीक है, पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, जनरली दोनों पक्ष और विपक्ष में होते हैं, न्यूट्रल बहुत कम परिस्थिति में होते हैं, और जनरली ज़्यादातर एटीट्यूड है ना वो नेगेटिव ही होता है, ये भी होता है। अगर हम एक प्रिजुडाइस वाला सिस्टम पढ़ते हैं उसमें, प्रिजुडाइस में जो पूर्वाग्रह रहता है ना वो 90% नेगेटिव होता है, यानी किसी को देखकर हम नकारात्मक ही भाव बनाते हैं, बनाते हैं ना, बोलते हैं आ गया देखो अभी देखने एटीट्यूड दिखाएगा। हाँ हाँ भाई उदासीन अभी मत जोड़िए ना, क्योंकि ये झुकाव है, मन में भाव आते हैं जनरली उदासीन नहीं आते हैं, किसी चीज़ को देखकर आप या तो सही सोचोगे या गलत ही सोचोगे, मैंने जनरली बोला उस चीज़ को ध्यान रखना है, जनरली मतलब सामान्यतः है, कभी भी रेडिकल नहीं होना है। जब भी अगर आपको लग रहा है कि कोई संशय वाला प्रश्न है, कोई ऐसा है जिसमें डाउट है, उसमें एक शब्द जोड़ दे बच जाओगे, जनरली या हिंदी वाले सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब कहने का मतलब ये नहीं यही दोनों होगा, वो भी हो सकता है, बच जाओगे, हिंदी वाले सामान्यतः और इंग्लिश वाले जनरली, ओके भाई, नेचुरली भी बोल सकते हो। हाँ 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 वो वहाँ पर जो है आपको वही एग्जैक्ट यूज करना है, पर यहाँ पर अगर कई सारे ऐसे शब्द हैं ह्यूमन साइंस की, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे डाटा वगैरह थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा है संदेह में, डाटा डाउटफुल है, वहाँ पर आप प्रयोग करें, ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं सभी जगह प्रयोग करना है। हाँ हाँ यस हाँ ये सही है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, तो इसको हम अभिवृत्ति भी बोलते हैं, मनोवृत्ति भी बोलते हैं, नजरिया भी बोलते हैं, दृष्टिकोण भी बोलते हैं, रवैया भी बोलते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन एक कुछ समझदारों के अनुसार लिख लो, एक जाने माने अभिवृत्ति के जानकार है उन्होंने बोला था, उनके अनुसार भी लिख लो, नाम था अच्छा, इसमें हमने जोड़ा था ना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, एक चीज और जोड़ लो, विचार साथ में, थॉट्स, थॉट्स के प्रति भी हमारा क्या हो सकता है, नजरिया विकसित हो सकता है, विचार भी जोड़ लो। अब ये जुड़ गया ना, तो आप इसके आगे लिख दो बाय राम सर, लिखना भाई थर्स्टन, हाँ ये इस मनोविज्ञान के जानकार थे थर्स्टन, लिख लिया।
एक और था, समझ में तो आएगी नहीं पर चाहे तो लिख लेना, अल्पाठ मत लिखो, छोड़ो छोड़ो। हाँ, आइडियोलॉजी वाला विचार है ना, उसी को देखकर। तो जैसे मैंने कहा कि मैं समाजवाद की बात करूंगा, ये मेरा विचार है, मैं चाहता हूँ कि भारत में समाजवाद पूरी तरह लागू हो, पूंजीवाद खत्म हो। अब आप फिर मेरे इस विचार पर विचार करोगे तो आपके मन में भाव आएंगे ना, वो अभिवृत्ति होगी कि इनका जो मानना है क्या ये सही है। जैसे एक उदाहरण ले लो, पार्टियों के आधार पर ले लेते हैं। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, वो जनरली साम्यवाद या समाजवाद को ज़्यादा प्रिपेयर करती है, उस पर ज़्यादा झुकाव रखती है। ऐसी परिस्थिति में आप उनके विचारधारा को पे भी विचार करोगे कि मेरा तो मानना यह है कि देशकाल परिस्थितियों में ये संभव नहीं है, होता तो जब गांधी जी थे, नेहरू जी थे या सुभाष बोस थे, उस समय पे भी लागू हो जाना था। तो फिर आप बोलोगे नहीं, इनका जो विचार है माना कि ठीक है कि ये समानता की बात करते हैं, पर वर्तमान परिस्थितियों में इनके विचार पूरी तरह लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है भाई, समझ पाए? विचार पर भी विचार करना क्या है, अभिवृत्ति है, समझ रहे हो? सोच कर भी सोचो साथ क्या जाएगा, आता है ना एक वो ट्रक के पीछे लगा देता है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब अभिवृत्ति के संदर्भ में कि अभिवृत्ति की डेफिनेशन हो गई, अब आप लोग लिखेंगे अभिवृत्ति निर्माण के कारक। ठीक है, फैक्टर्स है ना, क्रिएट एटीट्यूड, अभिवृत्ति निर्माण के कारक। हाँ, यही है ना, जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखाई थी थ्रस्टन की है, विचार मैंने बस जुड़वाया, थ्रस्टर ने विचार को भी बोला, बाकी ये डेफिनेशन उन्हीं की है। अभिवृत्ति निर्माण के कारक, वो फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं जो अभिवृत्ति को फॉर्मेशन करती है, या फॉर्मेशन या फिर बोलेंगे क्रिएशन करती है। ठीक है भाई, पहला लिखें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष एक चीज और जोड़ लो साथ में, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ये जोड़ लेना साथ में ना, ये क्या बोलते हैं, कौन सा चिन्ह है ये? हाँ, मिसिंग, हिंदी वाले बताएं कौन सा चिन्ह है? हाँ, हे गधे। हाँ, और लोप चिन्ह, और सारे चिन्ह पढ़ो हिंदी वालों, इसलिए पढ़ो ताकि आपको पता चले कि एकल उद्धरण चिन्ह क्या है, द्वि उद्धरण चिन्ह क्या है, लोप चिन्ह क्या है, हंस पद लग क्या है, ऐसे तमाम प्रकार के अल्प विराम क्या है, पूर्ण विराम क्या है, और आपको इनका अर्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 5 जो है ना, उसमें प्रश्न पूछता है चिन्हों पर, 2 नंबर का एक चिन्ह आता है, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस चिन्ह का यूज कहाँ होता है, बस इतना, या फिर वो यूज बता देगा, बोलेगा इस वाक्य में चिन्ह जो है वो किसके लिए प्रयोग, कौन सा चिन्ह प्रयोग हो, बस चिन्ह आपको एक चिन्ह भी लगा दिया ना, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हिंदी पे भी ध्यान दो, अपनी हिंदी बढ़िया करो, मैं जानता हूँ आप हिंदी के ज्ञाता हो, पर और मजबूत करना है आपको अपना व्याकरण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क द्वारा है ना, इंडिविजुअली हम डायरेक्ट किसी के अगर उसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इससे अभिवृत्ति का निर्माण होता है, जैसे आप मेरे संपर्क में डायरेक्ट हो। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मुझे लाइव देख रहे होंगे, तो हो सकता है वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, और आप मेरे डायरेक्ट संपर्क में, आप लोग कई टूर मेरे साथ आप लोगों ने भी किए हैं बीते कुछ दिनों में, कई लोगों की मेरे प्रति मनोवृत्ति बदली होगी, कई लोगों की जो अच्छी थी वो बुरी भी बदल गई होगी, ऐसा भी है, हो सकता है बदल गई हो। हाँ, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी व्यक्ति की मनोवृत्ति बनती है। सेकेंड लिखे मीडिया द्वारा, मैं नहीं बताऊंगा ना, हर चीज मैं ही बता दूंगा ये। ठीक है, मीडिया द्वारा, मीडिया द्वारा, अगर सब कुछ बता दूंगा तो घर पे जाके मेहनत थोड़ी करोगे, फिर तो टाइम मिलेगा तो डीपी ही चेंज करोगे। हाँ, क्या बता रहा था, मीडिया द्वारा, मीडिया के द्वारा कैसे हो गया अभिवृत्ति का निर्माण, गौर से देखो इस शख्स को, यही है वो, है ना। अब जैसे उसने कहा कि गौर से देखो इसको, फिर आपके मन में उसके प्रति नेगेटिव आदमी है भाई, है ना, भले वो नहीं है गौर से देखो, पर उसको गौर से दिखाया ना, नेगेटिव बना दिया सामने वाले ने। आता है ना क्राइम पेट्रोल में, आपके घरों के आसपास हो सकता है, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, इस टाइप का, तो वो क्या है, अभिवृत्ति का निर्माण करवा रहा, आपकी अभिवृत्ति उसके प्रति बनवा रहा है।
ये भी मीडिया है, ठीक है। मीडिया क्या करती है, किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब कर सकती है, किसी भी व्यक्ति की छवि को उठा सकती है, और आप मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के क्या होते हो, उसके प्रति अपना भाव बना लेते हो, बजाय उसके कि उसके तथ्यों को चेक किया जाए कि क्या उस व्यक्ति की जो छवि बनाई जा रही है वो सही है या गलत है, है ना। कई बार ऐसे होते हैं जिन व्यक्तियों को अपराधी बना दिया जाता है, बाद में वो बेगुनाह सिद्ध होते हैं, पर हमारी मनोवृत्ति हमेशा के लिए बन जाती है कि ये अपराधी होगा, और वो परमानेंट हो जाती है। तो ये मीडिया भी एक बड़ी भूमिका निभाती है किसी को बनाने में, बिगाड़ने में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना मेरे लाडलों और लाडलियों, अगर आपको फेमस होना है ना, मीडिया से दोस्ती करके रखो, है ना। मीडिया अच्छी दोस्त है, आपको उठा भी देगी, गिरा भी देगी, ठीक है भाई। आगे अगला लिखो, सामाजिक रीति रिवाज का गहरा प्रभाव। सामाजिक रीति रिवाज का गहरा प्रभाव, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं उनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और वो भी कौन सा, डीप इफेक्ट, डीपली इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक रीति रिवाज का गहरा प्रभाव, ठीक है। ट्रेडिशंस बोल सकते हो या फिर आप कस्टम्स भी बोल सकते हो, कस्टम्स कहना ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट लिखें, आसपास की प्रतिक्रिया द्वारा, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ लिखें, आसपास की प्रतिक्रिया द्वारा। आसपास की प्रतिक्रिया द्वारा लिख लिया सभी ने, ये क्या होगा, सराउंडिंग जो रिएक्शन होंगे या प्रतिक्रिया को बोलेंगे एक्शन होंगे, उनके द्वारा क्या होगा, कैसे होगा। देखो आप घर से बाहर निकलते ही हो, आपने देखा एक व्यक्ति एक बच्चे को बुरी तरीके से पीट रहा है, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को बुरी तरीके से पीट रहा है, तुरंत आपकी अभिवृत्ति बन जाएगी ये व्यक्ति विलन है, बच्चा मासूम है। आप देखोगे घर से बाहर निकलते ही आपने देखा कि लोग स्वच्छता के बारे में क्या सोच रखते हैं, पड़ोसी खासकर, वो अपना कचरा आपके घर के आगे डालने का प्रयास करेंगे, तो आपकी मनोवृत्ति बनेगी कि देखो ये हमेशा, मतलब ये सच चाहते हैं कि आपकी तो करो सगाई, सगाई जानते हो, हमारे कहावत है, हमारे यहाँ कहावत है, आपकी तो करो सगाई और की मरो लुगाई, इसका मतलब समझ रहे हो, इसी को अपने आपने अपडेटेड रूप में पढ़ा होगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसा ही टाइप का है। सगाई मतलब अपनी शादी कर लो और दूसरे की भले ही पत्नी मर जाओ, ऐसी मानवावृत्ति लोग रखते हैं। आपने भी देखा होगा अपने घर का कचरा बगल वाले के घर में डाल देते हैं, अपना भला चाहने के लिए दूसरे का बुरा कर देते हैं, अपने आप को महत्व देने के लिए दूसरे का बुरा करने से भी नहीं चूकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को प्रायोरिटी में रखने के लिए, अपने आप को फेम में लाने के लिए दूसरे को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। तो ये क्या है, ये वही कहावत है कि अपना काम बनता, ठीक भाई, ध्यान रखना। तो ये अपने आसपास की प्रतिक्रिया से भी आप बनाओ, अपने आसपास देखो आपकी रोज अभिवृत्तियां बनती होगी किसी न किसी मुद्दे पर। आप बस में बैठे हैं, आपने देखा कि कंडक्टर एक महिला के साथ में, एक दिव्यांग के साथ में, एक किन्नर के साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, एक वृद्ध जन के साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, तुरंत आपकी अभिवृत्ति चेंज हो जाएगी, है ना। आपने देखा कि पुलिस वाले आपके साथ में एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपको बहुत मदद किया उन्होंने, आपको लिए बहुत प्रयास किया, आपकी मनोवृत्ति तुरंत पुलिस के प्रति जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी कि पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, अपने आसपास की प्रतिक्रिया द्वारा। अगला देखें, अवलोकन से, ठीक से, अवलोकन बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। साइंस पढ़ाए ना हम लोगों ने, साइंस की डेफिनेशन क्या थी, चार शब्द बताए थे, हाँ, ये प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन ही है ना, प्रेक्षण जो है, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। अवलोकन मतलब देखना, अवलोकन मतलब देखना ही नहीं है, किसी चीज के बारे में ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। देखना तो एक ऐसा भी देखकर हम लोग उसको अवॉइड कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, या क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कह रहे हैं इग्नोर कर दें, हाँ इग्नोर कर दें, लेकिन देखना एक अलग होता है, अवलोकन यानी ध्यान पूर्वक देखना, या ध्यान पूर्वक सुनना भी एक अवलोकन का एक भाग है, ठीक है। आगे जागरूकता द्वारा, सेवंथ है जागरूकता बाय अवेयरनेस, जागरूकता बाय अवेयरनेस, ठीक है भाई, अवेयरनेस की बात हम लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, जागरूक किसी भी चीज के बारे में किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में भी। नेगेटिव वे में कैसे किया जा सकता है, किसी नेगेटिव मुद्दे पर जो आपके लिए नेगेटिव हो उसमें भी कैसे जागरूक किया जा सकता है।
जैसे कि कुछ नेता अगर आकर के आपसे बोल दें कि भाई और बहनों हमें आंदोलन करना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम गलत चीज़ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये धोखाधड़ी होती है इसमें, ईवीएम में जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वो जीत जाती है, तो ये क्या है, वो अपने पक्ष में कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव है ना समाज की दृष्टि से, तो ये भी क्या हो सकता है, वो भी जागरूकता फैला रहा है अपने स्तर पर, किसी ने फैला दिया किसी एक्स मुद्दे के बारे में, कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके खिलाफ अगर कुछ समूह है तो वो भी जागरूकता फैलाते हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे कोई भी व्यक्ति है उसको विलन बना देते हैं लोग, ठीक है, तो ये भी जागरूकता है। अगला है जिज्ञासा, भाई क्यूरोसिटी, जिज्ञासा जानते हो ना, हाँ एक बार एक एड आता है बहुत अच्छा एड, शायद आपने देखा हो, एक छोटा सा बच्चा जाता है तो वो बोलता है कि ये कोरिया सिटी का है ना, देखा है, बहुत अच्छा हिट था वो, है ना, कोरिया सिटी, वो ढूंढते ढूंढते सब जगह पहुंच जाता है, कोरिया सिटी नहीं मिली उसको, फिर बोलते हैं बेटा ये कोरिया सिटी नहीं क्यूरो सिटी है, क्यूरो सिटी मीन जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कि ये जिज्ञासा कि जो तुम वहां से गांव से घर से निकल करके इस शहर तक पहुंच गए हो ये जानने के लिए ये सिटी क्या है, यही जिज्ञासा है, आप लोग जानने आए हो कि अभिवृत्ति क्या है, आप जानने आए हो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में एथिक्स का क्या रोल है, ज्योग्राफी का क्या रोल है, ये आपकी जिज्ञासा आपको यहाँ तक लाई है, यानी कि कुछ जानने की इच्छा, यही है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी, ठीक है भाई, तो आप किसी चीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हो वो भी आपकी अभिवृत्ति बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आदत, कौन सा नंबर है, आठवां आदत, कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुसार नंबर सही कर लेना आदत द्वारा, ठीक है भाई, बाय हैबिट, हैबिट लिख लेंगे, हैबिट, हैबिट जानते हो ना, आदतन अपराधी, सीरियल किलर जो टाइप का रहता है कि ये नहीं सुधरेगा, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपको अपने आप को कैटेगरी में डिवाइड करना है ना, बढ़िया अच्छी कैटेगरी बता रहा हूँ, अपना औकात पता करना, ठीक है, एक होती है गलती, एक बार हो जाए आदमी से तो उसको गलती कहते हैं, उसी टाइप की गलती दूसरी बार हो जाए तो वो भी क्या है, बड़ी गलती है, ठीक है, वो गलती दो तीन बार हो जाए तो गलती नहीं क्या है, लापरवाही, हमारी मेरी दृष्टि में बता रहा हूँ लापरवाही, उसको बोलेंगे हम लोग लापरवाह, ठीक है, और वो गलती करता रहे, फिर गलती हुई, फिर गलती हुई, फिर गलती हुई, उस गलती को लगातार करता रहे, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे आदतन, कि व्यक्ति ये आदतन है, ये नहीं सुधरेगा, मतलब सुधर तो जाएगी, टाइम लगेगा, आदत सुधारी जा सकती है, आदतन है, और जो व्यक्ति शुरू से ऐसा है कि वो उस गलती को करता ही रहेगा और आगे भी नहीं सुधरने वाला, कोई चांस नहीं है, उस व्यक्ति को हमारे मतलब परीक्षित सर की भाषा में कहते हैं उसको MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब उसकी बनावट में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो अब अपने आप को रख के देख लेना कि आप एक बार गलती हो गई आपके तो वो आपकी गलती है, दोबारा करोगे तो लापरवाही है, बार बार करोगे तो आप आदतन हो चुके हो उसके मामले में, हैबिचुअल हो चुके हो, और हैबिचुअल व्यक्ति की आदत सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर नहीं सुधरेगी, मतलब लगता है आपको लगेगा इसमें संभावनाएं खत्म हो चुकी है ये नहीं सुधरेगा, तो वो मान लेना कि वो MD है, और अगर आप भी हो तो अपने आप को मान लेना कि मैं भी MD हूँ, ठीक है भाई, हाँ नेक्स्ट लिखो अनुभव, बाय एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव बाय एक्सपीरियंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, क्योंकि मैंने दो ही टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण उठाए, बाकी तो आप आराम से पढ़ लोगे और कंटेंट भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, और बाकी मैंने लगभग लगभग सारे पढ़ा दिए, इनको मैंने फिर से दोबारा उठाया, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस को, इसके उठाने के पीछे रीजन ये रहा, अभी क्षमता मैंने इसलिए नहीं उठाया कि वो आप आराम से अपनी बढ़ा लोगे या फिर आप पढ़ोगे भी बता दोगे, पर एटीट्यूड और ये इमोशनल इंटेलिजेंस यही चीज़ें जो आपको आगे बहुत जीवन में लाइफ में काम आने वाली, मतलब कौन से, चाहे आप ऑफिसर बनोगे तो प्रशासनिक लाइफ में काम आएगी, और अगर आप ऑफिसर बनने से चूक गए कुछ अंकों से तो आप जीवन भर इसके द्वारा कई सारे क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकते हो, क्रांति ला सकते हो, अगर आप ऑफिसर भी नहीं बन पाए तो एक अच्छा नेता बनना, क्योंकि आप अच्छा नेता इसलिए बन जाओगे क्योंकि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी,
से लेकर के आपको करंट अफेयर्स तमाम प्रकार के जो भी आपने चारों तरफ घटनाएं हैं वो आप जानते हो, तो आप एक बेहतरीन रूप से हर मामले पर अच्छा अपना मत रख पाओगे। और अगर आप वो भी नहीं बन पाए तो एक जिम्मेदार नागरिक तो बन ही जाओगे, समझ पाए। और अगर आप जिम्मेदार नागरिक बन गए तो एक जिम्मेदार नागरिक बहुत सारे पदों को धारण कर सकता है, ठीक है भाई, समझ पाए। मेरे देश के नौजवानों, हाँ ठीक है, अपने आप को जानो अनुभव भाई, एक्सपीरियंस द्वारा। ये क्या है, अब आप किसी भी चीज़ का अनुभव करते हो किसी मामले में, आप खुद का अनुभव ही है। मान लो आप कहीं घर गए हो, किसी घटना में गए, मान लो किसी आप पुलिस स्टेशन गए हो, पुलिस ने आपके साथ क्या व्यवहार किया वो आपका अनुभव बताएगा कि पुलिस सही है या गलत है। आप किसी बड़े दिग्गज नेता से मिले हो, उसकी मेंटेलिटी आपके प्रति क्या थी, किसी एक्स मुद्दे के प्रति क्या थी, एक्स धर्म के प्रति क्या थी, एक्स जाति के प्रति क्या थी, आपके अपने अनुभव बताएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। तो अभिवृत्ति का निर्माण भी ऐसे हो सकता है, ओके भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति निर्माण के कारक फैक्टर, ये तो हो गया ना, हाँ। अभिवृत्ति के प्रकार लिखो, अभिवृत्ति के प्रकार, लिखें कितने प्रकार की अभिवृत्ति होती है, तीन होती है, दो होती है, पांच होती है, वो पांच वो अभिवृत्ति नहीं होती, वो क्या नाम है, विश्वास, वो कर्षण शक्ति होती है, जो मैंने आपको पांच बताई थी, बताऊंगा उसको आज अभी क्या होगा। वो अभिवृत्ति बदलने की ये कर्षण शक्ति है। जनरली अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, फिर एक तीसरी आप कहोगे तो उसको बोलेंगे वह पैंदी का लोटा घर का ना गांट का, ठीक है। ये होती है नेगेटिव भाई, ये होती है पॉजिटिव, नकारात्मक, कुछ याद आ रहा है, पुरानी पिक्चरें, शक्तिमान, डॉक्टर किल्विस, डॉक्टर छोड़ो किल्विस, अंधेरा कायम रहे, दूसरा और बताया था अमरीश पुरी, और हीरो कौन बताया था, अमिताभ बच्चन, याद आ रहा है, बाहुबली, बल्लाल देव, हाँ। अब बताओ उन सारे ऑब्जेक्टों में से बाहुबली को किस में रखेंगे, बाहुबली हो गया साहब, हाँ जनरली टू टाइप की होती है, ठीक है। अमरीश पुरी को किस में रखेंगे, अमरीश पुरी नेगेटिव में हो गए साहब, हालांकि वो जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति थे भाई, है ना, बस हम ये मूवी की दृष्टि से देख रहे हैं ना, मूवी आपने देखे इसलिए बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी अमरीश पुरी अपने जीवन के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है भाई। वो मतलब ऐसा एक बार उनका लेख आया था उनके बारे में कि सिनेमा की दुनिया के विलन रियल लाइफ के हीरो, ऐसा कुछ आया था। ऐसा ही आप देखोगे सोनू सूद, नाम सुना होगा ना, वो जनरली विलन का किरदार करते हैं अधिकतर मूवियों में, पर वो रियल लाइफ में लोगों की, कई लोगों के हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड काल में बहुत हेल्प करी थी लोगों की। तो आप डिवाइड कर सकते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव लोग कौन कौन से हैं, अपने आसपास के भी कर सकते हो, जो भी गलत हो, जिनके जिन्होंने बुरा किया समाज के प्रति, उस देश के प्रति, उस व्यक्तियों के प्रति, है ना, पर्यावरण के प्रति भी हो सकता है, वो जनरली नेगेटिव मनोवृत्ति में आ जाएंगे, और बाकी के पॉजिटिव। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो कि थोड़ा उधर झुके रहते हैं, उधर झुके रहते हैं, तो इनको पढ़ाने का कोई सार नहीं। अब आप बात करते हैं इनमें बनती कैसे है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अभिवृत्ति बनती कैसी, तो अभिवृत्ति निर्माण की प्रोसेस कैसे होती है इसको समझिएगा। ये मेन चीजें मार लिए, देखो मैंने आपको एक चक्र बताया था, सबसे पहले इनपुट्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद हैबिट, ओके हैबिट, उसके बाद ट्रैट्स, ट्रैट्स, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद भाई तो उधर खिसक जाएगा क्या, नहीं खिसक रहा है, ये क्या हो गया, प्रीव्यू कहाँ मिलेगा, और अच्छा ठीक है हट जा, अंडू अंडू अंडू, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। कहाँ थे हम,
अरे वाह, अब क्या करना है? थैंक यू दया, क्या बोल रहे थे हम? पर्सन, पर्सनालिटी, LITY। हिंदी वाले लिखेंगे है ना, इनपुट को इनपुट ही लिख लें भाई, और कोई अच्छा शब्द नहीं है। निवेश, निवेश लिख लो। प्रैक्टिस तो अभ्यास आप लिखेंगे, अभ्यास। हैबिट को आप लिखेंगे आदत। ट्रेट्स यानी गुण, कैरेक्टर यानी चरित्र, और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व ही बाद में जाके क्या बनाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। मेरी वीडियो थी क्या? चलो बताओ। हाँ, PHC का बताया था ना मैंने, क्या बताया था? PHC, प्रैक्टिस हैबिट कैरेक्टर। अभ्यास, हैबिट यानी आदत, और चरित्र, अभ्यास से आदमी के क्या बनती है? हैबिट बनती है, और हैबिट से आदमी का चरित्र निर्धारित होता है। PHC फॉर्मूला शॉर्ट में बताएं तो इतनी भी याद करने की जरूरत नहीं, पर ये कि क्रमिक लिखोगे तो और बढ़िया अच्छा लगेगा है ना। बाकी ये भी शॉर्ट में आप बता सकते हो। वाह यार, आपको याद है, मैं ही भूल गया था। वेरी गुड। हाँ और बताएं, DPI भी बताया था मैंने। बहुत शानदार यार, मुझे अपनी आप मेरे जीवन के जामवंत निकले हैं। जानते हो ना जामवंत ने क्या किया था, है ना? जामवंत ने ये किया था, हनुमान जी शक्ति भूल गए थे तो उनकी शक्ति याद दिला दी थी। अपने जीवन का जामवंत रखो कोई, समझ रहे हो? मैं एक कहानी सुनाई थी जो सीओर कलेक्टर थे चंद्रमोहन ठाकुर सर, बहुत अच्छी बात कही थी। अपने जीवन का, अपने जीवन का जामवंत या अपने जीवन का कृष्ण रखो, अगर आप अर्जुन हो या आप हनुमान हो। यानी कि जब आप डायलेमा में फंसोगे या आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करोगे, उस परिस्थिति में वो दोस्त कोई भी हो सकता है आपका, जामवंत के तौर पर आपका अपना घर वाला, मतलब कि आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपको अच्छे से समझते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, कोई टीचर हो सकता है। अपने जीवन का जामवंत रखो, तो वो क्या करेगा, जब आप सेल्फ डाउट करोगे या अपनी शक्ति भूल जाओगे कि आप नहीं कर सकते, तब वो याद दिलाएगा कि तुम कर सकते हो। और तुम क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो याद दिलाएगा कि तुमने उस समय पे ऐसा किया था। जामवंत ने क्या बोला था हनुमान से, देखो बचपन को याद करो तुम, ऐसे कहानियों में हमने पढ़ाया, देखो हकीकत को पता नहीं। उन्होंने बोला कि तुम बचपन में सूरज को निगल गए थे, और जब सूरज तक चले गए, पृथ्वी से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर तुम चले गए, मतलब उन्होंने बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी में जोड़ करके, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर चले गए तुम, तो ये तो श्रीलंका का रास्ता भारत से कितना, इतना सा है, आराम से जा सकते हो। तो उनको याद आ गया, अरे हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसे ही जब भी आपको सेल्फ डाउट हो, जैसे अर्जुन डायलेमा में फंसे थे, तो गीता में यही पूरी बात निकलती है कि डायलेमा से उन्होंने वर्क करने की तरफ बात कही थी कि वर्क करो। ऐसे अपने जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति रखो, जब आप परेशानी में फंसो, थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा दे कि ये वे है, आपको उस पर चलना है, चलोगे आप खुद ही? कृष्ण ने एक भी माना सुना है कि एक भी हथियार नहीं चलाया था, नहीं चलाया था ना पूरे युद्ध में महाभारत के में, पर ऐसा माना गया कि पूरा सब कुछ लड़ा उसने, अर्जुन ने लड़ा था। तो लड़ोगे आप ही अपने जीवन का, हो सकता है आपको कोई ऐसा कृष्ण मिल जाए जो आपको आगे बढ़ाए। ये दोनों कहानियां सुनाई थी सीओर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सर ने, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा था मैं, DPI, डिसिप्लिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ठीक है भाई, और इनोवेशन, तीन चीजें याद रखो जीवन में। डी से लिखो डिसिप्लिन, पी से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, आई से लिखो इनोवेशन। ये आपको जीवन में, आपको अपने जीवन का मतलब इसमें मेंस में आपको जीत दिला देगा। डी से डिसिप्लिन, पी से प्रैक्टिस, पी से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, और आई से इनोवेशन। समझो कैसे? डी से डिसिप्लिन। आप लोग कई बार बोलते होंगे कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें,